प्रारंभिक परीक्षा की सफलता के लिए मैंने आप सभी को जो सबसे महत्वपूर्ण एक बात बताई है कि आप सभी को टेस्ट सीरीज जरूर लगाना है। बिना टेस्ट सीरीज लगाए हुए प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी अधूरी है, यानी प्रीलिम्स एग्जाम देना है तो टेस्ट सीरीज करना ही करना है। और मैं आपने आपको एक संकल्प दिलाया था कि अब आप प्रीलिम्स वाली डेट, उस एग्जाम डेट को निकाल दीजिए अपने मन से कि भाई आपकी प्रीलिम्स की डेट जिस दिन है, क्योंकि मान लीजिए यूपीएससी की प्रीलिम्स की डेट आपकी आ जाती है कि भैया हमारी प्रीलिम्स की डेट तब है, हमारी प्रीलिम्स की डेट तब है, हमारी प्रीलिम्स की डेट तब है। आईएएस और स्टेट पीसीएस एग्जाम दे रहे हैं, हर सैटरडे को प्रीलिम्स दीजिए या हर संडे को प्रीलिम्स दीजिए, एक दिन तय कर लीजिए, या हर थर्सडे को प्रीलिम्स दीजिए। प्रीलिम्स की डेट को आप साल में एक बार मत मान के चलिए कि साल में एक बार प्रीलिम्स है, और हर सप्ताह आपको एक दिन तय करना है। और निश्चित तौर पे आप सबने तय कर लिया होगा, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने कौन सा दिन तय किया है जब आप अपना प्रीलिम्स वाला दिन उसे मानकर चलेंगे और उस दिन आप पूरा प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे, एक बार कमेंट में जरूर बताएं। और टेस्ट देना ही देना है, मतलब बिना टेस्ट दिए मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा, आपकी तैयारी कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी यदि बिना टेस्ट के आप लोग सोच रहे हैं कि आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो टेस्ट देना है देना है, टेस्ट को का विकल्प नहीं है, टेस्ट का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और सिर्फ मैं प्रीलिम्स में जिस तरीके से जोर देता हूं, ऐसे ही मैं मेंस में भी जोर देता हूं कि मेंस के भी डेली आंसर राइटिंग होनी चाहिए, डेली आपको क्वेश्चंस लिखने चाहिए मेंस के, जो भी पढ़ रहे हो उसे लिखो। पीडीएफ छोड़ दो अपने जीवन से, पीडीएफ को साइड में रख दो, कहीं पर फेंक दो पीडीएफ, मोबाइल पे पीडीएफ वगैरह, अब हाथ पेन कलम उठाओ, मेंस में लिखना चालू करो और प्रीलिम्स में। ठीक है, संडे कुछ लोगों ने सैटरडे रखा है, कुछ लोगों ने थर्सडे रखा है। हाँ, महेश रीबा जी का सैटरडे है, प्रीति जी थर्सडे और सैटरडे, सैटरडे और संडे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आज के सेशन पे बात करेंगे हम निगेटिव मार्किंग को लेकर, क्योंकि निगेटिव मार्किंग में आपको किस तरीके से डील करना है और पर डे जो आप टेस्ट दे रहे हैं ना, इसमें आपका इंप्रूवमेंट किस लेवल पे होगा, इसको लेकर के वर्क करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज, जितने भी बच्चे घर पे टेस्ट देंगे, यदि आप ऑनलाइन माध्यम से टेस्ट दे रहे हैं तो आपको ओएमआर सीट को जरूर से जरूर कार्य करना है। ओएमआर सीट पे अभी मैंने आप लोगों के लिए काम कर दिया है, आपका जो एप्लीकेशन है आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप, और दूसरा हमारा एप्लीकेशन टेस्ट सीरीज बाई आजाद एकेडमी, इन दोनों पर मैंने एक ओएमआर सीट आप लोगों के लिए अपलोड कर दी है। अभी मैं आपको दिखा देता हूं, यदि आप चाहें तो इस ओएमआर सीट का प्रिंट आउट ले सकते हैं और प्रिंट आउट लेकर के आप काम कर सकते हैं। ये ओएमआर सीट फिल करनी है आपको प्रीलिम्स वाले दिन पे, तो आप ओएमआर सीट की प्रैक्टिस करेंगे अभी से। यानी ऑनलाइन टेस्ट में क्या होगा, एक तो जब आप मोबाइल पे अपना टेस्ट दे रहे होंगे तो वहां पर भी ऑप्शन टिक करना है और साथ साथ ओएमआर भी फिल करना है, क्योंकि ये अभ्यास की चीज है, ओएमआर का अभ्यास नहीं करेंगे तो ओएमआर का अभ्यास हो भी नहीं पाएगा। तो मैंने आपको एक ओएमआर सीट की पीडीएफ जो है आपको आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप के फ्री पीडीएफ सेक्शन पे आपको उपलब्ध करा दी है, और इसको ले लो, पास में कहीं पर भी फोटोकॉपी होती हो तो फोटोकॉपी करा लो, बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, मुश्किल से फोटोकॉपी या प्रिंट आउट निकलवा लो ना, तो प्रिंट आउट निकलवा लो, कम से कम 10 प्रिंट आउट निकलवा के रख लो, जब वो कंप्लीट हो जाए फिर और 10 निकलवा लेना, या एक प्रिंट आउट निकलवाओ और फिर उसकी फोटोकॉपी करा लो, क्योंकि प्रिंट आउट के चार्ज ज्यादा लेते हैं, फोटोकॉपी के चार्ज कम होते हैं, तो आपका काम सस्ते में हो जाएगा। ठीक है, एक प्रिंट आउट निकलवा लो फिर उसकी फोटोकॉपी करवा लो मल्टीपल टाइम, एक तो ये काम करवा लेंगे आप सभी लोग। ये मैंने आपको एक ओएमआर सीट भेज दी है, नहीं है ओएमआर सीट मार्केट में मिल जाएगी, ओएमआर सीट ले आइएगा। और सब एग्जाम के अलग अलग रिक्वायरमेंट है, आईएएस के लिए 100 क्वेश्चन के लिए चाहिए, यूपीपीसीएस और बीपीएससी के लिए 150 क्वेश्चन चाहिए, सीजीपीएससी के लिए 100 क्वेश्चन चाहिए, अलग अलग है जहां जहां पे जैसे। तो ये मैंने जो आपको दी है इसमें 200 क्वेश्चन तक की दे दी है, ताकि जहां पे जिसकी रिक्वायरमेंट जितनी हो उतना ही आप भरोगे ओएमआर सीट को। तो हाँ, आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे है, मैं आपको दिखा देता हूं, और ये मैंने इसलिए अवेलेबल करा दी, मैंने पिछले उसमें आप लोगों को दोनों चीजें दे दी है, मेन्स आंसर राइटिंग का भी मैंने आपको वहां पर एक पीडीएफ अवेलेबल करा दी है, और ये पीडीएफ प्रिंट आउट के लिए है, ताकि आप लोग उसी फॉर्मेट पे प्रिपरेशन कर पाए,
जिस फॉर्मेट पे आपका एग्जाम होना है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे भी पीडीएफ ओएमआर शीट जरूर भरेंगे, केवल पैनल से काम नहीं चलेगा कि पैनल पे क्लिक करेंगे, क्योंकि आपको वहां पर जो टेस्ट देना है। ऑनलाइन में तो यह कि क्वेश्चन देखा आपने, वहां पे टिक इसलिए कर दिया क्योंकि उससे रिजल्ट आपका बन जाएगा, उस वही आंसर यहां पे भी टिक करिए, ठीक है। अब मैं आज जो है आपको कुछ चीजें डिस्कस करने वाला हूं, उस पर बहुत इंपॉर्टेंस तरीके से काम करेंगे। और कुछ चीजें देखो, मैं आपको एक आज फ्रॉग मेथड बताऊंगा, फिर निगेटिव मार्किंग पे भी बात होगी, कई सारी चीजों पर हमारे डिटेल डिस्कशन होंगे, ठीक है। फ्रॉग मेथड भी काम करेगा आने वाले सेशन पे, फ्रॉग मेथड। आज मैं निगेटिव मार्किंग पे फोकस्ड होकर के बात करूंगा आपसे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग में बहुत सारे मार्क्स जा रहे होंगे और काफी लोग यहाँ पे टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि सर निगेटिव मार्किंग में मेरे नंबर कम हो जा रहे हैं। तो देखो, ऐप में फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन में सबसे ऊपर ओएमआर शीट लगी हुई है, और फिर यहाँ पे मेन्स आंसर राइटिंग की बुकलेट लगी हुई है, ये देख लीजिएगा आप, ठीक है। और ये दोनों चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, और जो मैंने क्लासरूम पे मैं आंसर राइटिंग करवा रहा हूँ, जो पेड क्लासेस में आंसर राइटिंग होती है ना, जैसे हिस्ट्री की क्लास में हो गई, यूपी स्पेशल की क्लास में हो गई, है ना, उत्तर प्रदेश राज्य विशेष में, उनके क्वेश्चन पेपर भी मैं यहाँ पे अवेलेबल करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे फ्री टेस्ट की जगह से वो क्वेश्चन पेपर भी ले सकते हैं, क्लास के अंदर ही मैं यहाँ पे अवेलेबल करा दे रहा हूँ। बाकी मेन्स आंसर राइटिंग के मेन्स आंसर राइटिंग सेक्शन पे होगा, ठीक है ना भाई। मेंस ओएमआर सीट पे नहीं होता, मेंस का आंसर फॉर्मेट अलग है, मेंस का आंसर फॉर्मेट यहाँ पे है, बुकलेट सीट वो अलग से दे रखी है मैंने। मेंस जिसमें होता है उसकी बुकलेट सीट की पीडीएफ अलग से अवेलेबल है आपकी यहाँ पे, है ना। मेंस ओएमआर सीट पे नहीं होता, ऐसा मत करो भाई, ओएमआर प्रीलिम्स के लिए है, ठीक है। ओएमआर प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए एक अलग फॉर्मेट दिया है, एक बुक सीट मैंने दी है, वो बुक सीट का प्रिंट आउट ले सकते हैं और उस बुक सीट पे आंसर राइट कर सकते हैं, या फॉर्मेट आप उसको, क्योंकि कितना आप कॉपी को बनाओगे, तो मेंस का मैंने अलग से दे रखा है, ठीक है ना। हाँ ठीक, चलो भाई अब आगे बात करते हैं। आज जो हमें मुख्यतः बात करनी है, निगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। सभी लोग तैयार हैं, आज के सेशन में चर्चा होने वाली है हमारी टेस्ट सीरीज के, और फ्रॉग मेथड मैंने नेक्स्ट सेशन पे बताऊंगा, फ्रॉग मेथड बहुत काम आएगा प्रीलिम्स में, और अभी से सब प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग, अलग अलग है, ठीक है। जैसे कि 1/3 की आपकी है यूपीएससी में, ठीक है, यूपी पीसीएस में भी 1/3 की है यूपी पीएससी में। जैसे कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 0.66 आपका जो है निगेटिव चला जाएगा आपका, यदि आपने एक गलत किया, एक सही किया तो 2 नंबर मिलेगा, और एक गलत किया तो 0.66 आपको मिलेगा। और यदि आपने जो है एक भी नहीं अटेम्प्ट किया, मतलब कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, तो उसमें आपको कोई दंड नहीं मिलेगा, ना तो आपका कम होगा ना तो ये गलत के लिए है, गलत के लिए दंड है, और ये बहुत अच्छी चीज है, गलत के लिए दंड की व्यवस्था है, और ये आपका सही के लिए आपको मार्क्स मिलेगा। हर एग्जाम के अलग अलग रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यूपी पीसीएस में चूंकि 150 क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर अलग है, बीपीएससी में भी अलग है, 1/4 है शायद अभी बीपीएससी में, तो स्टेट वाइज आपको पता होंगे। आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किसके स्टेट में कितनी निगेटिव मार्किंग है, स्टेट वाइज एक बार मुझे जानकारी दे दीजिए, ठीक है। चलिए, और यदि कहीं स्टेट निगेटिव मार्किंग नहीं है वो भी बता सकते हैं, बट ओवरऑल अभी बीपीएससी ने भी अनाउंस कर दिया, तो लगभग ज्यादातर जगहों पे निगेटिव मार्किंग आपकी हो चुकी है, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं निगेटिव मार्किंग में कैसे बचा जाए। जब भी आप पेपर दें, अभी से ही अभ्यास करना है, ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूं इसको बाद के लिए नहीं रखना है, ये अभ्यास अभी से होगा आपका, अभी से अभ्यास स्टार्ट कर देना है, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए है ये इंपॉर्टेंट सेशन आपका, ध्यान रखिएगा। क्या करना है, देखिए सबसे पहली बात, दिमाग में एक चीज बैठानी है कि आप एग्जाम हॉल पे जाएंगे तो लगभग आपको 15-20% क्वेश्चन छोड़ने हैं एग्जाम हॉल पे, मतलब पूरे अटेम्प्ट नहीं करने। मान लीजिए आपके यहाँ पे 100 क्वेश्चन होते हैं, या तो 150 हो रहे होंगे, यदि निगेटिव मार्किंग है
तो निगेटिव मार्किंग में आपको पूरे के पूरे अटेम्प्ट नहीं करने हैं, कम से कम 20 क्वेश्चन 100 में छोड़ देने हैं, यानी कि 80 अटेम्प्ट करोगे आप, ठीक है। और आप क्या छोड़ दोगे, छूट ही जाएंगे। यदि 20 नहीं भी छोड़ना चाहते तो 15 तो कम से कम छोड़ना है, पूरे 100 में 100 अटेम्प्ट नहीं करना है। यानी कि पहले तो दिमाग को एक मैसेज देना है कि आपको इतने क्वेश्चन छोड़ना है, ठीक है। ये अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करना, जो भी टेस्ट दे रहे हो इस प्रैक्टिस के साथ देना है। 150 क्वेश्चन जब आप दे रहे हो तो 150 क्वेश्चन में से आपको क्या करना है कि आपको ये मैसेज देना है कि लगभग 25 क्वेश्चन आप छोड़ देंगे, 25 क्वेश्चन आप छोड़ देंगे, ठीक है। यदि चाहो तो 30 भी छोड़ सकते हो। तो अटेम्प्ट ओवरऑल आपको कितना करना है, 100 में या तो आप 80 अटेम्प्ट करोगे या तो 85 अटेम्प्ट करोगे, ये आपके अटेम्प्ट करने की चीज है। और 150 में यदि अटेम्प्ट करने की बात करूं तो 120 या 125 इतना अटेम्प्ट करोगे। पहले तो दिमाग में ये बैठा लो। हाँ, बिहार में 1/4 की है चंचल कुमारी जी, 0.25%, ठीक है। चलिए, क्लियर हो रहा है सबको। अब ये तो पहला रूल है, कई सारे नियम बताऊंगा। पहला रूल है कि प्रश्न कितने आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। आपको जहां भी निगेटिव मार्किंग है पूरे में पूरे प्रश्नों के चक्कर में नहीं रहना है, ठीक है। यदि ज्यादा के चक्कर में रहोगे फिर बहुत नंबर चले जाएंगे निगेटिव में। तो पहला माइंडसेट दिमाग को यह देना है कि अब मुझे 15 क्वेश्चन छोड़ने या 20 क्वेश्चन छोड़ने, बना लो अभी से, ठीक है। क्योंकि आप सोच रहे हो मेरिट बहुत ज्यादा नहीं जा रही, कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जा रही, कट ऑफ आपकी यूपीएससी में तो 90 के नीचे चली गई है। आप खुद सोचो, 200 में 90 के नीचे, यानी 50% से भी कम है मामला, ठीक है। बीपीएससी में पहली बार ऐतिहासिक हुआ 90 के आसपास, मतलब 92 रही आपकी कट ऑफ, माइनस मार्किंग का कमाल। यही हाल यूपीपीएससी में है। तो मतलब ओवरऑल ये नहीं है कि बहुत ज्यादा टेंशन लेनी है, 50% के आसपास कट ऑफ जा रही है औसतन देखा जाए तो। जहां भी निगेटिव मार्किंग है वहां कट ऑफ बूस्ट नहीं हो रही है बहुत ज्यादा। मीनाक्षी जी कह रही सर महाराष्ट्र में भी 1/4 है, ठीक है। जहां पर भी है अब्बास, यही स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है कि आपको पहले तो छोड़ने का दिमाग में एक बना के चलना है कि इतना मुझे छोड़ना, और ये अभी से तय कर लो। आप पेपर दोगे तो ये आपको अभी से ही अभ्यास में लाना होगा। तो पहली चीज है छोड़ना, प्रश्न छोड़ना, तय हो गया। ये वाली रणनीति आप आज ही से आप लेकर चलोगे। दूसरी चीज, दूसरा जो काम करना है निगेटिव मार्किंग के लिए, देखिए तीन तरीके के प्रश्न होंगे, तीन तरह के प्रश्न होंगे प्रीलिम्स में, तीन तरीके के प्रश्न होंगे। पहले टाइप का प्रश्न होगा जिसमें आपको 100% श्योरिटी होगी कि आपको पता है। दूसरे टाइप का प्रश्न होगा जिसमें 100% आपको पता है कि आपको नहीं पता है, यानी आपको पता ही नहीं। एक तो है कि आपको 100% पता है, और एक आपको है कि जो आपको 100% नहीं पता है, एक में आपको 100% पता है। तीसरे टाइप का प्रश्न होगा जिसमें आप कंफ्यूज होंगे, जिसमें आपको लगेगा 50-50 पता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, या दो ऑप्शन में कंफ्यूजन होगा। इसके अलावा चौथे टाइप का कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। या तो पता होगा या तो नहीं पता होगा, या तो ये वाली कैटेगरी को छोड़ना है, ये वाली कैटेगरी को छोड़ना है जो बिल्कुल नहीं पता है, दूसरे नंबर की कैटेगरी को, इसको अटेम्प्ट करना है, इसको आप अटेम्प्ट करेंगे और ये रेगुलर अभी अभ्यास में लाना है, इसको भी अटेम्प्ट करेंगे हम लोग, ये दोनों अटेम्प्ट करेंगे, 50-50 भी अटेम्प्ट करेंगे और 100% श्योरिटी वाले भी अटेम्प्ट करेंगे। अंकित चौधरी जी कह रहे हैं सर एग्जाम के लास्ट में मन करता है, अच्छा ज्यादा कर लेते हैं निगेटिव हो जाता है। नहीं नहीं, मन नहीं कराना ना, अभ्यास अभी तभी तो अभ्यास करवा रहा हूं ना मैं। आज मैं अभ्यास के लिए क्यों बोल रहा हूं कि प्रीलिम्स का दिन वो वाला भूल जाओ। प्रीलिम्स का दिन आपका हर सप्ताह है, आपको तय करना है कि किस दिन आप प्रीलिम्स देंगे, बस देंगे जरूर, इतना तो रखना प्रीलिम्स देना, नहीं दोगे तो फिर कोई फायदा नहीं, अभ्यास नहीं कर पाएंगे हम, है ना।
बेनिफिट नहीं हो पाएगा, फिर मैं जो आप लोगों को चाहता हूँ वो रिजल्ट नहीं दे पाऊंगा, ये बात दिमाग में बैठा लो आप लोग, फिर रिजल्ट नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, रिजल्ट लाना है तो बात माननी पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, चलिए, किसी को कोई डाउट? अपने मन से नहीं होते हैं, आप सोच रहे हो कि अपने मन से जो है गलत हो जाते हैं, अपने मन से कुछ भी गलत नहीं होता है। राजेश तिवारी जी कह रहे हैं सर 100 में 100 कर दिया तो क्या होगा, फिर फेल हो जाओगे और क्या होगा भाई, इतने इतना कोई भी पॉसिबल ही नहीं है कि सबको सारे क्वेश्चन आ जाएं। करना चाहो करो, मैं आपको मना थोड़ा ना कर रहा हूं कि 100 में 100 कर दो, जाओ करो, है ना, आपकी मर्जी। अभी अभ्यास करोगे टेस्ट सीरीज में, देना 100 में 100 क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज दोगे ना तो टेस्ट सीरीज में पूरे करके देखना कितने बन रहे हैं, यदि सिलेक्ट ही नहीं होना है। और 100 में 100 की जो प्लानिंग करके चलता है कि भाई मैं हर गेंद में 6 मारूंगा, आप में से बहुत सारे लोग होंगे, क्रिकेट में हर गेंद पे 6 नहीं मारा जाता, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको छोड़ने पड़ेंगे वहां पे, नहीं तो फिर आप बहुत तनाव में आ जाओगे, एग्जाम वाला प्रेशर आपको बढ़ता चला जाएगा। हर गेंद पे 6 नहीं मारी जाती, कुछ गेंदे स्टॉप की जाती है, कुछ गेंदे छोड़ दी जाती है, है ना, तब जाके वो सेंचुरी मारने वाला व्यक्ति हर गेंद में 6 थोड़ा मारता है, तो खेलते 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 पेपर कैसा आता है आपको क्या पता, आप जानते हैं क्या कि प्रश्न पत्र कैसा आएगा बताओ। तो इसलिए जिसको पूरे में पूरे करना है तो पूरे में पूरे कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत बढ़िया, आप टॉप कर जाओगे प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में पहली बार टॉप नहीं करना है, प्रीलिम्स में कट ऑफ पार करनी है और सेफ जोन में रहना है ताकि मेंस के लिए आपको एडमिट कार्ड मिल जाए, बस। चलो, तो ये तीन चीजें के बाद दूसरा कौन टाइप के क्वेश्चन छोड़ना है बता दिया, जो 100% नहीं आते। अब आप कह रहे हो सर मुझे 100% श्योरिटी, इसका मतलब यह है कि मुझे सब आता है, पूरा पेपर ही आता है, तब तो आप जीनियस हो, तब तो आपको ये सेशन भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, है ना। जो जीनियस लोग हैं उनके लिए सेशन नहीं है, वो क्योंकि ऑलरेडी जीनियस है तो उनको फिर ये सेशन समझ ही नहीं आएगा। ये तो मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो बहुत सामान्य है, जिनको नहीं आता है, जिनको पूरा प्रश्न पत्र नहीं आता, उन लोगों के लिए पेपर है। ठीक है, अब देखो होगा क्या, क्वेश्चन पेपर छोड़ने को लेकर जहां पे निगेटिव मार्किंग नहीं है वहां पे आप पूरा अटेम्प्ट करके आइए, मैं वहां पे मना नहीं कर रहा हूं, जहां पे निगेटिव मार्किंग नहीं है वहां पे पूरे 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइए, जहां पे निगेटिव मार्किंग है वहां पे हमें छोड़ना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है। अब करना क्या है, जब आपके दिमाग में निगेटिव मार्किंग जहां पर भी है और आपने पहले दिमाग में बैठा लिया कि मुझे 20 क्वेश्चन छोड़ना है, मान लीजिए ये आपने प्लान कर लिया, अब देखिए होगा क्या, एक तो आप सकारात्मक बने रहेंगे। कैसे सकारात्मक बने रहेंगे, मान लीजिए आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा और आपने पहला क्वेश्चन पढ़ते ही आपको लगा कि यार ये क्वेश्चन शायद मुझे नहीं आएगा, है ना, शायद मुझे नहीं आ रहा ये क्वेश्चन, तो फिर आप क्या करोगे, आप उस क्वेश्चन को क्या कर दोगे, क्या करोगे उस क्वेश्चन को, आपके दिमाग में आएगा कि यार 20 क्वेश्चन छोड़ना है, उस क्वेश्चन को छोड़ दोगे तो आपके दिमाग में तुरंत मैसेज आएगा कि मुझे 20 क्वेश्चन छोड़ना है, उसमें से एक छोड़ दिया, अभी 19 और बचे हैं छोड़ने के लिए, तो दिमाग आपका पॉजिटिव रहेगा। मान लो दूसरा भी नहीं आया तो दूसरा भी छोड़ दिया आपने, अब यह ना हो कि आपको शुरुआत के 20 आ ही नहीं रहे, है ना, फिर मान लो तीसरा आपने पढ़ा और तीसरे में आप 100% श्योर है कि आपको पता है, चौथा आपने पढ़ा और चौथे में आप 100% श्योर हैं, ठीक है, पांचवा आपने पढ़ा और पांचवे में आप 100% श्योर हैं, ठीक है, छठवां आपने पढ़ा, छठवां पढ़ा, आप छठवां देखा ये तो 50-50 वाला मामला बन रहा है, सातवां आपने पढ़ा और सातवां पढ़ा आपने देखा 100% श्योर हैं, आठवां आपने पढ़ा तो आपने पाया कि ये तो आपको बिल्कुल नहीं आता है, नवा आपने पढ़ा तो आपने देखा 100% आप श्योर हैं, दसवां आपने पढ़ा तो आपने देखा कि आप जो है 50-50 है, ऐसे करके आपको पता चलेगा, जब आप क्वेश्चन पढ़ते जाओगे तो आपको एक आइडिया लगते जाएगा। अच्छा एक बात और बताऊं, आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, साथ साथ ओएमआर सीट भरते हैं, जैसे पेपर करते जाएंगे ओएमआर भरते जाएंगे, ओएमआर साथ साथ नहीं भरना है, ओएमआर लास्ट में भरिए, जैसे मान लीजिए 2 घंटे की अवधि है आपके पेपर की, मैं आपको यहां पे थोड़ा सा एक डिवाइड कर रहा हूं, टाइम डिवीजन दे रहा हूं ताकि आप इसका टाइम का 2 घंटे का सबसे अच्छा उपयोग कर पाए, वैसे इस पे मैं एक प्रॉपर अलग से सेशन लूंगा
ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो पाए कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है एग्जाम में। बट फिर भी यहां पे रफली बता देता हूं, 2 घंटे का जो आपका पेपर होगा, शुरुआत के 1 घंटे 10 मिनट में पूरे पेपर को, अब पेपर लेंदी भी है कुछ भी हो, शुरुआत का 1 घंटे 10 मिनट में कोशिश यही करना है कि कितने क्वेश्चन आप पढ़ लिए। हो सकता है आपने 100 पढ़ लिए हो सकता है आपने 150 पढ़ लिए हो सकता है आप 80 पढ़ पाए, जितने भी क्वेश्चन पढ़ पाए उन क्वेश्चन को आप इस तरीके से कैटेगरीफाइज कर पाएंगे, ये वाले तरीके से। हो सकता है आप पूरा का पूरा पेपर पढ़ ले 1 घंटे 10 मिनट का शुरुआत का टाइम 2 घंटे में से, ठीक है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 1 घंटे 10 मिनट में आप एक बार जब ये कैटेगरीफाइज कर ले, इसके बाद फिर अगला टाइम जो रहेगा आपका आगामी 15 मिनट मान लेते हैं। मान लीजिए इसमें आपने 100 क्वेश्चन पढ़ लिए पूरे अपने 1 घंटे 10 मिनट में, तो आगामी 15 मिनट में OMR शीट भरेंगे। OMR सावधानी पूर्वक भरेंगे। OMR भरने में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि अब आपने पेपर को कैटेगरीफाइज कर लिया है कि आपको कौन सा पता है कौन सा नहीं पता है। तो जो आपको ये पहला राउंड है, प्रथम चरण ये अभी से अभ्यास करिए इस चीज का। प्रथम चरण में क्या होगा, आपको जो 100% जिसमें श्योर है, जैसे इसमें 100% श्योर है, 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 तो ये वाले क्वेश्चन को पहले आप OMR शीट में ब्लैंक कर देंगे, हो जाएगा। राजेश तिवारी जी, कुछ नहीं होगा, घर में बैठे रहेंगे आप, 100 में 100 गलती कर दिया, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना। थोड़ा सा गंभीर बनो भाई, सीरियस रहो। और जिनको एग्जाम देना है, अभी आपको एग्जाम नहीं देना ना, तो जो लोग दे रहे हैं 100 में 100 गलती कर दिया तो क्या होगा, नहीं पता आपको क्या होगा, हाँ ठीक है। थोड़ा सा गंभीरता वाली चीजें रहे यहां पे, जो भी क्वेश्चन पूछना है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन रहे। 100 में 100 कर दिया तो क्या होगा, 100 में 100 गलती कर दिया तो क्या होगा, आपको नहीं पता क्या होगा, हाँ आप अकेले हो। अब जब आप ये क्वेश्चन करेंगे, देखो मेरी क्लास में ना थोड़ा सा सिंसियर रहो क्लास के प्रति, अन्यथा की स्थिति में सेशन आपके लिए नहीं है, मैं उस रेस में नहीं हूं, ठीक है। मुझे कम बच्चे चाहिए लेकिन सॉलिड बच्चे चाहिए, ठीक है। मैं एक हर मुद्दे पर बहुत सीरियस और बहुत ही सूझबूझ के साथ आपको हर बात समझाता हूं, और यदि आप उस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है तो कृपया करके आप ये सेशन ज्वाइन ना करें, ठीक है, स्पष्ट बता दे रहा हूं मैं, ताकि आपको जहां पे वैसी बातें हो रही हो वहां पर आपको आनंद मिले। क्यों आप अपना टाइम खराब करेंगे भाई, ठीक है। यहां पे मोस्ट सिंसियर बच्चा चाहिए मुझे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से रहे यहां पे। तो यहां पे ये आपके 10 क्वेश्चन आपने मान लीजिए किए, तो जब आप 2 घंटे में से शुरुआत के 1 घंटे 10 मिनट में पूरा पेपर हल करेंगे, और नहीं भी हल होता पूरा तो भी आपको यह अलार्म रखना है कि आपको अगले 1 घंटे 10 मिनट बीत जाने के बाद जितने भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए उसको अगले 15 मिनट में OMR शीट में भर देंगे। अब आपका टाइम कितना चला गया, ये 1 घंटा 25 मिनट चला गया। और OMR शीट भरते समय पूरी सावधानी बरतेंगे, क्योंकि बच्चों के साथ होता गया सर वहां पे तो बी लगाया था यहां पे तो सी लग गया, ये वाला रोना नहीं चलेगा बाद में, कोई फायदा नहीं है आपका। किसको आप रोना सुनाओगे ये कि मुझे बी लगाना था सी लगा, अरे ठीक है फेल हो गए खत्म बात, फिर यही बात होगी। ये नहीं होगा कि मुझे बी लगाना था मैं सी लगाया। OMR शीट इसीलिए इत्मीनान से भरना यहां पे, ठीक है। और OMR शीट में देखो ये 2 कलर में होती है तो ये पिंक कलर में ही, यहां पे बॉक्सेस बने हुए हैं, वहां पे लाइट पिंक और डार्क पिंक मिलेगी, है ना। थोड़ा सा इसमें बॉक्स बना रखा है इन्होंने, तो भी ये पता है कि 5-5 क्वेश्चन के स्लॉट बने हुए हैं। आप देखो 5 क्वेश्चन फिर अगेन 5 क्वेश्चन फिर अगेन 5 क्वेश्चन, तो भरते समय सावधानी बरतो कि किस बॉक्स में हो। एक बॉक्स में 5 क्वेश्चन होते हैं आमतौर पर, और यह लाइट और डार्क पिंक पे भी OMR शीट होती है। लाइट पिंक होगा फिर डार्क पिंक होगा फिर लाइट होगा फिर डार्क होगा, ताकि आपको 5-5 क्वेश्चंस को प्रायोरिटी करके भरते चले जाना है। ठीक है,
चलिए यहां पर एक चीज तो ये क्लियर हो गई आपको। अब अगले 15 मिनट जब आप ओएमआर सीट भरना, उसके बाद अब आपके पास देखो इफेक्टिव देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि आपके पास पूरे 35 मिनट हैं। वहां पे एग्जाम हॉल पे एक बार अटेंडेंस के लिए आपके पास आएंगे, है ना। ध्यान रखना अटेंडेंस लगनी जरूरी होती है। एक बार आप भी अटेंडेंस आपके कमरे में वैसे लगेगी तो अटेंडेंस के लिए आते हैं, ओएमआर सीट भरने में टाइम लग जाता है। तो ओवरऑल मान लो कि आप 30 मिनट भी आपके पास बचता है, इस 30 मिनट में आप सेकेंड राउंड कर सकते हैं जिसमें 50-50 वाले क्वेश्चन है। इन 50-50 वाले क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे। पहले चरण में आप 100% वाले क्वेश्चन को, और 100% वाले क्वेश्चन आपको काउंट भी करना पड़ेगा कि आपने एक्चुअल में कितने क्वेश्चन में मार्क किया है, और जो छोड़ना है वो छोड़ देंगे। देखो हमें स्मार्टली कट ऑफ पार करनी है, और कट ऑफ भरनी पार करनी सेफ जोन में आती है। यदि कट ऑफ 90 जा रही है ना, तो हम 95 और 100 के बीच में बैठे हों, कोशिश यही रहे कि 100 पार कर जाएं हम, ताकि हम सेफ जोन में रहें, हमें कोई दिक्कत ना रहे। तो देखो एक तो निगेटिव मार्किंग से आप बच जाओगे छोड़ने से क्वेश्चन। ये आप क्वेश्चन छोड़ोगे तो उसका कोई निगेटिव मार्क नहीं कटता है, तो एक तो इससे बच जाओगे, तो छोड़ना सीखो, है ना। दूसरा जो 100% वाले क्वेश्चन है उनसे भी आपको लगता है क्या कि आपके सारे सही हो जाएंगे। जब आप 100% वाले मान लीजिए 60 क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट करते हैं, तो इससे भी 5-6 क्वेश्चन गलत होने की पूरी संभावना है, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप 100% श्योर हो। वो हो जाता है कई बार, है ना, चीजों में हम श्योर होते हैं, लेकिन जब घर में आकर के हम चीजों को देखते हैं, मिलाते हैं, तो हम पाते हैं कि ये भी आपका ठीक है निगेटिव में चला गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है सभी को। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? तो इसीलिए अब जो हमें टेस्ट सीरीज देनी है, पहला काम करना है कि शुरुआत के 1 घंटे 10 मिनट के अंदर अंदर पूरे पेपर को एक बार पढ़ के उसको ये कैटेगरी फाइज करना कि ये वाला लगाना है ये नहीं लगाना है, टिक मार्क करते चले जाओ। और ऑनलाइन में यदि आप करते हो, जैसे मान लो मोबाइल फोन के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, तो वहां पर तो टिक का ऑप्शन होता है, सीधा उस क्वेश्चन को टिक मार्क कर दो, सेव करो आगे बढ़ो, टिक मार्क करो सेव करो आगे बढ़ो, टिक मार्क करो सेव करो आगे बढ़ो। और बाद में जैसे ही 1 घंटे 15 मिनट हो जाए, 10 मिनट हो जाए, फिर ओएमआर सीट भरो। और पहले 100% श्योरिटी वालों को पहले भरना, ठीक है। पहले किसे भरना है? जिन क्वेश्चंस पे आप 100% श्योर हैं, जिन क्वेश्चन पे आप पहले 100% श्योर है, ये क्वेश्चंस को पहले आपको भरना है। 100% श्योर हैं, जिन क्वेश्चन पे आप पहले 100% श्योर हैं, 100% श्योर हैं, इन क्वेश्चन को पहले आपको टिक मार्क करना है। क्लियर है सभी को? और जब आप इनको टिक मार्क करेंगे तो फिर इनको काउंट करेंगे आप। मान लीजिए आपको काउंट करना है, काउंट करने पे 100% वाले आपके क्वेश्चन 60 सही हो रहे हैं। अब इनमें से मैंने आपको बताया कि इफेक्टिव यदि आप निकालोगे तो आपके 55 के आसपास ही सही होंगे, क्योंकि 5 उनमें से भी गलत हो जाते हैं। तो इतने से बात बन रही है क्या? तब भी आपको 50-50 वाले करने पड़ेंगे, ठीक है। 50-50 वाले से क्या होता है, वैसे इससे भी बात बन रही है, क्योंकि आप देखो इसके मार्क्स जो जाएंगे, 55 यदि सही है आपके, तो यदि मैं 2 नंबर की बात करूं तो 110 मार्क्स आपके ये हो गए, और उधर 5 गलत हो गए आपके, तो 5 × 10 / 3 ये करना होगा आपको, तो कितना आएगा? 10/3 आएगा आपका, ठीक है। तो माइनस कर देंगे 3.33, तो आपके नंबर तब भी बहुत अच्छे बन रहे हैं, 107 के आसपास नंबर आपके, 106.66 नंबर बन रहे हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं ओवरऑल, ठीक है। ओवरऑल तब भी आप कट ऑफ में हैं, ये बहुत अच्छा जो है स्कोर हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी यदि आपको ये लग रहा है, ये डाउट लग रहा है कि आप जो है 90 नंबर ही बन रहे हैं, आपके 92 नंबर ही बन रहे हैं, तो फिर आप 50-50 वाले में आ जाओ। देखो 50-50 का रेशियो कैसे काम करता है, मान लो एक क्वेश्चन में क्या है ना, 2 आंसर पे आप डाउट में हैं, तो मान लो आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हो, ऐसे 10 क्वेश्चन जिसमें आप 50-50 चांसेस सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, तो 100% 10 में से 5 क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं। 50-50 इसमें भी तो मानेंगे, है ना, जो प्रायिकता है यही है कि 5 गलत हो सकते हैं आपके और 5 आपके सही हो सकते हैं, यही तो 50-50 है ना। यदि आंसर में आप 50-50 है तो 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके, अब आप देखो इसको भी यदि आप करते हो ना, तो आपका स्कोर कहां जाएगा? 5 सही निकल गए, 5 × 2 यानी 10 नंबर आपको मिल गए,
कम कितने होंगे, 5 × 2 भागे 3, ठीक है, तो कम हो जाएंगे 10/3, यानी 3.33। माइनस कर दें 6.66 नंबर, तब भी आपके प्लस हो गए। हमें मेनली किसी तरीके से वो फॉर्मूला तय करना है, और ये आपका खुद का होगा व्यक्तिगत, जब आप लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपके कितने गलत हो रहे हैं, कितने आपको 50-50 में कर रहे हैं, कितने आपके 100%। कोई बच्चा जिसके 70 क्वेश्चन ही 100% श्योरिटी वाले हैं, उसको 50-50 करने की जरूरत ही नहीं, वैसे भी उसका प्रीलिम्स निकल गया, ठीक है। तो ये दिमाग में बैठाना है, 100 में से आपको कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, समझो इस बात को। यदि ये करने आप आइडिया लगाना चालू कर देंगे तो आप आसानी से कर ले जाएंगे, और ये अभी से अभ्यास करेंगे। आपको ये एक रेशियो क्रिएट करना पड़ेगा, एग्जाम हॉल वाले दिन रेशियो नहीं क्रिएट करना है, अभी से बना के चलना पड़ेगा। और ये भी देखना है किस टाइप के क्वेश्चन, किस सब्जेक्ट को आपको मजबूती प्रदान करनी है, किस सब्जेक्ट पर ज्यादा प्राथमिकता देनी है, आने वाले सेशंस पे मैं डिस्कस करूंगा। कोर पिलर्स पे वर्क करना है, तो निगेटिव मार्किंग से इस तरीके से बचा जा सकता है। बाकी एग्जाम वाइज मैं आपको अलग से अभी सेशंस लूंगा, जिसमें एग्जाम वाइज आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। राजीव यादव जी, जय हिंद। देखो अब गलत बहुत हो रहे हैं ना, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि आप मान लो, हो सकता है अभी जो आप टेस्ट में अभ्यास करें, टेस्ट में अभी आप अभ्यास कर रहे होंगे, अब अभ्यास में आपकी स्थिति क्या बन रही है मैं आपको बता देता हूं। हो सकता है आप 100% श्योर जो है 40 क्वेश्चन में ही रहते हो सकता है 35 क्वेश्चन में ही रहते हो सकता है 30 क्वेश्चन में ही रहते हो, ये निकल रहा होगा, ये आपको पता होना चाहिए कि आप 100% श्योर कितने में हो सकता है। आप 50 क्वेश्चन में होते हो सकता है आप 60 क्वेश्चन में होते हो सकता है आप 70 क्वेश्चन में भी होते हो, हर टाइप का अलग अलग बच्चा है, उसकी तैयारी के स्तर के ऊपर है। 100% श्योरिटी की बात कर रहा हूं, गलत की बात करूं कि 100% आप जिनमें गलत होते हैं वो क्वेश्चन, हो सकता है आप 60 क्वेश्चन गलत होते हो आपके, हो सकता है आपके 50 गलत होते हो सकता है आपके 55 गलत होते हो सकते हैं आपके 40 गलत होते हो सकता है आप 35 गलत कर रहे हैं, हो सकता है आप 20 गलत कर रहे हो सकता है आप 10 गलत कर रहे हो, हर टाइप का बच्चा है, मैं बार बार बोल रहा हूं इस बात को। 50-50 वाले चांस भी आप लोगों के कुछ इसी तरीके से होंगे, अलग अलग रेशियो होगा, किसी के 10-50-50 हैं, किसी के 20-50-50 हैं, किसी के 25-50-50 हैं, किसी के 35-50-50 हैं, अलग अलग 50-50 वाला चांस भी बनेगा। तो ये अलग अलग जो चांस वाला पूरा का पूरा रूल है, अब यही आपको, ये आपको बढ़ाना है ज्यादा से ज्यादा, जितना आपका 100% वाला बढ़ाना है। पहले तो एक अच्छा एनालिसिस आपका ये रहना चाहिए कि आप कहां पे खड़े हो, आपकी स्थिति क्या है, और फिर उस स्थिति को इंप्रूव करना, फिर उसमें क्या लाना है, आपको इंप्रूवमेंट लाना है। यदि आप यहां पे ज्यादा खड़े हो कि ज्यादा गलत होते हैं, तो ज्यादा सही के लिए अब आपको प्रयास करना है, देखना है किस सब्जेक्ट पे आपकी लंका लगी हुई है, उस लंका को सही करना है आपको, फिर ऐसा ही हो रहा है ना। देखो बहुत सारे, जैसे प्रीति सिंह जी कह रहे हैं सर जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो उस टाइम लगता है कि सब पढ़े हैं, सब कंफ्यूजन में चला ही जाता है, ये इसलिए कि अभ्यास नहीं है। देखो ओवरऑल मैं क्यों आपको जोर दे रहा हूं, अभी ये सब प्रॉब्लम से फेस कर लोगे पहले ही, और मल्टीपल टाइम इनका अभ्यास कर लोगे, तो एग्जाम वाले दिन ये रोना नहीं रोना पड़ेगा। सारा का सारा खेल यही है कि आपने टेस्ट लगाए कितने हैं, कितने टेस्ट लगाए हैं आपने, तो आप इतने बड़ी ज्यादा चिंतित बने बैठे हैं। आपको टेस्ट मैक्सिमम लगाना है जितने आप लगा सकते हैं, मेरे हिसाब से तो 50 टेस्ट लगा लो। अब आप कहोगे सर 50 टेस्ट बहुत होते हैं, बहुत बहुत कुछ नहीं है, लगाना चाहिए आपको, जहां से पाओ टेस्ट लगाओ, टेस्ट को आदत बनाओ, टेस्ट को खाना चालू कर दो। जिनका प्रीलिम्स नजदीक है सप्ताह में 2 टेस्ट लगाएं, और जिनको अगले साल प्रीलिम्स देना है सप्ताह में 1 टेस्ट लगाएं, यानी हर सप्ताह उनको टेस्ट देना चाहिए। और संस्थान देखो आपको टेस्ट अवेलेबल करा रहा है, आपको बहुत सारे टेस्ट हम उपलब्ध करा रहे हैं, आप इन टेस्ट से जुड़ सकते हैं संस्थान के माध्यम से। ये सारे एग्जाम के टेस्ट हैं आपके, आईएएस का, यूपीपीसीएस का, आरओ का, बीपीएससी का, एमपीपीएससी का, सीजीपीएससी का, जेपीएससी का, आरएएस का, इन सबके टेस्ट आपके अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेस्ट सारे मिल जाएंगे, या फिर ये एप्लीकेशन है आपका टेस्ट सीरीज बाई आजाद एकेडमी। लेकिन और आपको जहां से भी टेस्ट मिले उनको भी लगाइए, आप उनको भी लगाइए, हर जगह से जहां जहां टेस्ट मिले आपको टेस्ट लगाना है, और जितना अभ्यास करोगे, जितना इन पॉइंट का ध्यान रखोगे, उतना अच्छा टेस्ट आपका हो जाएगा।
मैंने प्रीलिम्स पेपर की तैयारी नहीं की है, फिर भी मैं टेस्ट लगा सकता हूँ। टेस्ट देखो, प्रीलिम्स पेपर की तैयारी कब पूरी होगी? आप 2 साल बाद। अरे टेस्ट आज से लगाइए आप, और टेस्ट में हो सकता है आपको, मैं चाहता हूं उस प्रोसेस से गुजरना, उस 2 घंटे के प्रोसेस से गुजरिए जिसमें आप एग्जाम हॉल में गुजरते हैं। बिना तैयारी के पेपर देने तो चले जाते हैं ना आप, वहां तो जाकर के 0 नंबर आ जाते हैं आपके, उसमें आपको कोई तो दिक्कत नहीं है। घर में आप जब पूरी तैयारी कर लेंगे 2 साल में, तब जाके टेस्ट देंगे। कभी पूरी तैयारी नहीं होती किसी की। वो प्रेशर से गुजरना, टेस्ट देने का मतलब है उस प्रक्रिया से गुजरना, उस प्रेशर से गुजरना जो परीक्षा वाले दिन गुजरोगे, यह है मेरा टेस्ट देने का मतलब। तो टेस्ट हर बच्चे को देना चाहिए, बाकी तैयारी कई दिन इंतजार करोगे तो तैयारी फिर आप लोग कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, आपका स्वागत है। आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर भी टेस्ट सीरीज है, और या फिर टेस्ट सीरीज भाई आजाद एकेडमी ऐप पर है। अभी मैं आपको आजाद एकेडमी या टेस्ट सीरीज भाई आजाद एकेडमी ऐप के बारे में भी बता दूंगा। तो आपको निगेटिव मार्किंग के लिए जो चीजें बताई, इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, निगेटिव मार्किंग से कैसे बचें, कोई डाउट हो तो पूछो। और बाकी ये वाली आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो। बेटा रिवीजन नहीं करते राजेश तिवारी जी, आप इधर उधर की बातों में ज्यादा रहते हैं, थोड़ा रिवीजन किया करो, जो भी पढ़ रहे हो उसको दोबारा दोहराओ, है ना। बहुत सारी बातें याद रहती है ना, इसलिए याद रहती है क्योंकि उनका दोहराव ज्यादा है। दोहराना चालू करो, जब चीजें दोहराओगे तो आपको याद होनी चालू हो जाएंगी। किसी को भी याद नहीं रहता कुछ भी, जिनको याद रहता वो दोहराते हैं, 2 बार 3 बार रिवाइज करते हैं। तो रिवीजन चालू कर दो, सब याद होने चालू हो जाएगा। तो आज से, आज जो मैंने आपको बताया, पिछले टेस्ट में, पिछले सेशन में भी काफी कुछ डिस्कस किया था, आज के सेशन में भी आपको बहुत सारी चीजें बता के जा रहा हूं। अब इनको फॉलो करना चालू करो, तभी फायदा है। हाँ, रिवीजन करना चाहिए, रिवीजन भी डेली करो। रिवीजन ये नहीं कि कल कर रहे हो, परसों कर रहे हो, नरसों कर रहे हो, रिवीजन डेली करो, डेली रिवीजन करो, फिर देखो। रिवीजन आपको करते रहना चाहिए। संध्या जी कह रहे हिस्ट्री में मॉडर्न पहले पढ़े या एंशियंट से स्टार्ट करें? पहले एंशियंट से पढ़ो, और क्या, शुरू से पढ़ो, सिक्वेंस से पढ़ो, पहले एंशियंट पढ़ो, फिर मेडिवल पढ़ो, फिर मॉडर्न पढ़ो। सीक्वेंस से पढ़ लो। एक दो बार रिवीजन करोगे सब याद होने लग जाएगा। कोई चीज आप 3-4 बार पढ़ के देखो, देखो याद ना रहे तो बताना, यानी कि सोल्यूशन एक ही है। चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखेंगे।